अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो को मैं अपनी लास्ट वीडियो से कंटिन्यू करती हूँ, जिसमें कि मुझे आपको रिव्यू देना था कि साबरी नहारी पे मैंने क्या ऑर्डर किया था और वो फूड मुझे कैसा लगा। तो सिटिंग रूम तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा था, दो फैमिली हॉल्स थे बड़े बड़े से और काफ़ी स्पेस थी यहाँ पे। और मैंने जैसा कि यहाँ की सिर्फ नहारी की तारीफ़ सुनी थी, तो सिर्फ हमने एक सर्विंग नहारी की ऑर्डर की थी और नान ऑर्डर किए थे। तो आप देख सकते हैं ये बोल है एक सिंगल सर्विंग नहारी का और साथ में नान है, और इन्होंने रायता और चटनी कॉम्प्लीमेंट्री सर्व किया था। आप देख सकते हैं ये नहारी की कंसिस्टेंसी है, जो कि मुझे थोड़ी सी रनी लगी। यूजुअली नहारी का शोरबा इतना पतला नहीं होता है, तो ये मैंने अपनी प्लेट बनाई और अब मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। नहारी का टेस्ट मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। पहली बात तो ये कि इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा था कि जैसे हम अपने घर में नहारी बनाते हैं, नॉर्मल नहारी, और जब हम उसको एक दिन के बाद पानी डाल के गर्म करते हैं ना, तो जो उसका असल टेस्ट होता है वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है और वो थोड़ी पतली सी हो जाती है। तो ये बिल्कुल नहारी वैसे ही थी। और नान भी जो थे वो काफ़ी पतले थे, उन्होंने उसको काफ़ी लंबी शेप में बनाया हुआ था, जिसकी वजह से ये खाते खाते कड़क हो रहे थे और जिसकी वजह से मज़ा नहीं आ रहा था नहारी खाने में। तो ओवरऑल जिस वजह से मैं इस रेस्टोरेंट में आई थी नहारी खाने के लिए, वो मुझे अच्छी नहीं लगी और इसको मैं 6 नंबर दूंगी आउट ऑफ 10। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं कि यहाँ का टेस्ट चेंज हो गया है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।